नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल देखो सिखो एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की। जी हाँ, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका यूज आप किस तरह से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड सही तरीके से यूज करने की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। एक आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं और 100 करोड़ डेबिट कार्ड हैं। हालांकि ये आंकड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। क्रेडिट कार्ड कम यूज करने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग एलिजिबल ही नहीं है क्रेडिट कार्ड का यूज करने के लिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में जनसंख्या का सबसे ज्यादा भाग साल का 5 लाख भी नहीं कमा पाता। अब बात आती है कि अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो कैसे करें जिससे नुकसान ना हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली दें। अगर मान लो आपका बिल 1 लाख है और आपने बिल ना भरा तो आपका क्रेडिट कार्ड की तरफ से मिनिमम 10 या 5 हजार जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको भरना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने मिनिमम अमाउंट जो डिपॉजिट करा है वो 1 लाख से कम हो गया है। 5 या 10 हजार मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्ट ही होता है और 1 लाख अभी भी उतने का उतना ही है, यानी कि वो 5 या 10 हजार इंटरेस्ट या अदर चार्जेस ही आपने भरे हैं। दूसरी बात, दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है ओवर स्पेंडिंग, यानी कि आपको उतना ही खर्च करना है जितना आप नॉर्मली डेबिट कार्ड से करते हैं। तो बात आती है कि अगर डेबिट कार्ड जितना ही खर्च करना है तो हम फिर क्रेडिट कार्ड का यूज क्यों करें। चलो मान लो आपने क्रेडिट कार्ड बना लिया और फिर आपने उससे अपने नीड्स यानी कि रेंट बिल्स और अदर रेंट्स पे आउट कर दिए। मैं यहाँ पे सिर्फ नीड्स की बात कर रहा हूँ, डिजायर की नहीं कि चलो नया आईफोन ही ले लिया जाए। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपको पहले महीने इंटरेस्ट फ्री लोन तो मिल ही जाएगा, यानी कि 50 दिनों तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं भरना होगा। यानी कि आपने डेबिट कार्ड से जो भी पैसे भरे हैं अब वह पैसे आपने अपने क्रेडिट कार्ड से भर दिए हैं, और जो डेबिट कार्ड में आपके पैसे पड़े हैं उनको आप म्यूचुअल फंड या फिर उनकी FD भी करवा सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जिनमें आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। यानी अगर आप स्मॉल टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो एटलीस्ट आप कुछ न कुछ तो इंटरेस्ट कमा ही लोगे, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। तीसरी बात, क्रेडिट कार्ड बना लेने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने तो 2 महीने अपना क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा। हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चेक करते रहें। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपका बिल पैसे में आया है, मतलब जैसे आपने 50,254.35 रुपए तो वो 35 पैसे भी आपको पूरे भरने चाहिए, क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट लगता है। जी हाँ, अब देखिए क्या है कि शायद आपने पिछले महीने 1,000-2,000 भरे होंगे और नेक्स्ट महीने आपने क्रेडिट कार्ड का कोई भी यूज नहीं करा होगा, बट जो पिछले महीने के 1,000-2,000 ये जो भी है उसका आपको अगले महीने इंटरेस्ट और एनुअल चार्जेस भी भरने पड़ेंगे। या आपकी समझ से बाहर है तो आप अपने नजदीकी बैंक भी इस चीज के बारे में समझ सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं तो हर महीने क्रेडिट कार्ड आपसे 4% वसूल करता है और साल का हो गया 48%। चलिए अब बात आती है कि पैसे कैसे कमाएं। पहली बात, उतना ही यूज करें जितना आपको जरूरत है। हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल देते रहें, चाहे वो पैसे में ही क्यों ना हो। तीसरी बात, क्रेडिट कार्ड का चयन ध्यान से करें। कुछ क्रेडिट कार्ड आपको रिवार्ड्स भी देते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड से हर तरह का बिल आउट करें जिससे आपको क्रेडिट रिवार्ड्स बढ़ते रहेंगे। इससे होगा यह कि रिवार्ड्स पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर amazon.in में आपको गिफ्ट वाउचर के रूप में भी मिलते रहते हैं। कई कार्ड्स में आपको हाइट टिकट बुकिंग्स करने पर भी माइल्स मिलते रहते हैं, और वो माइल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपको फ्लाइट टिकट्स फ्री में भी कभी कभी मिल जाती है। मतलब आपका यह एक तरह का मैनिटरी फायदा ही हुआ। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज वाइजली करते हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करने पर आपको क्रेडिट स्कोर हमेशा वो गिरता ही रहेगा जिससे आप लोन के चक्कर में फंस सकते हैं। अगर फाइनेंशियली डिसिप्लिन है तभी क्रेडिट कार्ड का यूज करें, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं तो इसका ऑनलाइन कोर्स भी जरूर करें। बहुत सी कंपनियां ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाती रहती हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें देखो सीखो एजुकेशन।